अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Xiaomi Redmi Note 13 का। ये पाकिस्तान में लेटेस्ट मॉडल आया है। ये MI के जो Note 13 आया है ये पांच तरह के वेरिएंट में अवेलेबल है। Note 13 8128 55,000 का, Note 13 8256 जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे ये 60,000 का अवेलेबल है। इसके बाद Note 13 Pro 8GB 256GB रोम में है वो 75,000 का भी है। और इसके अलावा Note 13 Pro 12GB 512GB में है और वो 90,000 का अवेलेबल है। इसके अलावा Note 13 Pro Plus वो भी 512 में है और वो 140,000 का पाकिस्तान में अवेलेबल है। इस तरह ये पांच तरह के वेरिएंट में फ़ोन अवेलेबल है Redmi Note 13 जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये 8256 के साथ 60,000 वाला फ़ोन है। ऑफिशियली जो प्राइस है इसकी 60,000 है। इसके बाद आपको 2-3,000-4,000 लेस के बाद आपको कोई 56 का 57 का आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आइए तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये फ़ोन कैसा है। पहले तो बॉक्स कुछ इस तरह से फ़ोन पैक होगा अपने बॉक्स में। साइड पे लोगो है, इस साइड पे लोगो है, ऊपर फ्रंट पे इसकी पिक्चर मेंशन होगी Redmi Note 13। ये आ गया जी आपके पास बॉक्स। इसके बाद अगर इसके बॉक्स में देखा जाए तो एक अदद पिन आ रही है, ये इसके वारंटी कार्ड्स और बुकलेट्स आते हैं इसके साथ। इसके बाद जो इसका पाउच आ रहा है वो MI वाले सारे पहले बाकी वाइट सिलिकॉन दे रहे थे, इन्होंने ऑफिशियल पाउच इसका ब्लैक कलर का दिया है। ब्लैक सिलिकॉन पाउच है, नरम सा पाउच है, सिलिकॉन पाउच है। ये कम अज़ कम आपको अगर मार्केट से मिलता तो 500-600 रुपए का आपको पाउच मिलता है जो कि फ्री दिया जा रहा है। इसके बाद अगर इसके बॉक्स में बाकी चीज़ें देखें क्या अवेलेबल है तो इसका एक अदर चार्जर साथ है जो कि 33 वाट का चार्जर साथ है, बिग चार्जर USB चार्जर साथ है जो कि 50% 29 मिनट में आपका चार्ज कर देगा। और अगर फ़ोन को 100% चार्ज करना है तो इसे 70 मिनट्स में कर देगा आपका, 1 घंटा 10 मिनट में आपका ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा इस चार्जर से। इसके साथ एक टाइप सी केबल आ रही है, टाइप सी ये फ़ोन है। आइए जी फ़ोन को देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। इसको ओपन करते हैं, फ़ोन की लुक उन्होंने बहुत प्यारी दी है। इसको ऑन कर लेते हैं, ये देखें बड़ा शाइनी सा कलर है इसका। ये इसकी प्लास्टिक बैक है, मेटल इसका फ्रेम है, फ्रंट इसका ग्लास है। देखें इसको बिल्कुल शाइनी सी इसकी ग्लास लुक बॉडी दी गई है, बैक बिल्कुल ग्लास लुक बॉडी है। यहाँ पे दो इन्होंने मेंशन किए हैं अपने Redmi और ये 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ है, बहुत अच्छे कैमरे के साथ बहुत अच्छा फ़ोन है। 3 अदद लेंस दिए गए हैं जो कि लेंस काफ़ी बड़ा लेंस है इसका जो कि अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे आईफोन के होते हैं उसी तरह इन्होंने उससे भी थोड़े ज़्यादा बाहर है इसका। अगर आपने फ़ोन अगर आप लोग लेते हैं तो आपने इसके लेंस का काफ़ी ख्याल रखना है, अपना पाउच अच्छे वाला लगा के रखना है जिससे ये आपके लेंस बचे रहे, क्योंकि अगर आप इसको नीचे रखते हैं तो वो काफ़ी ख़राब होने का खदशा है। इसको आपने देख के यूज़ करना है। इसके बाद साइड पे इसका पावर बटन है और इसका वॉल्यूम कीज़ है राइट साइड पे, लेफ्ट राइट साइड पे इसका टोटल फ्रेम फर्क है। इसके अलावा ऊपर इसका स्पीकर दिया गया है, जो इसका ऊपर स्पीकर दिया गया है, ऊपर ही इसका चार्जिंग जैक दिया गया है, ऊपर इसका माइक दिया गया है, नीचे इसका चार्जिंग जैक है, ड्यूल स्पीकर के साथ है ये देख सकते हैं आप।
और नीचे इसकी सिम ट्रे भी नीचे है। ड्यूल सिम ये फ़ोन है विद मेमोरी कार्ड स्लॉट है। बहुत अच्छी लुक के साथ ये फ़ोन दिया गया है। फिंगरप्रिंट जो है इसका वो इन्होंने अंडर डिस्प्ले दी है। काफ़ी फोन्स का बाकी साइड पे आ रहा है, इसका अंडर डिस्प्ले है। आइए इसको एक्टिव करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। बाकी ये देखें, जब मैं इसको फ्लैट पे रखा है तो ये अपने कैमरों की वजह से थोड़ा सा ये काफ़ी बाहर है। ये आपने बहुत ख्याल करना है इसका, आपने लाजमी इसको पाउच लगा के रखना फोन को। कलर्स की बात की जाए तो ये 4 कलर्स में फोन अवेलेबल है, ब्लैक में, ग्रीन में, ब्लू में और ओशन सनसेट में। ये इसका ब्लैक कलर है, ग्राम फोन का वेट है, जो कि इतने रैम रोम और शेप के साथ कुछ भी नहीं है इसका वेट। 188 ग्राम इतना वेट नहीं है, आपको बड़ा इजीली रहेगा आपको कैरी करना। मेगापिक्सल बैक कैमरा है और 16 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है। कैमरे के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है। ये फोन मुझे जो पसंद आया है, इसमें 2-3 चीजें काफी अच्छी दी गई हैं। इसका सबसे पहला आपके लिए ये फायदेमंद फोन है बहुत ज्यादा, जो कि मैं आपको इसकी ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले चार्जर देखा तो चार्जर अच्छा है, उसके बाद अगर इसका कैमरा देखा जाए तो 108 मेगापिक्सल कैमरा है। थर्ड इसकी एमोलेड डिस्प्ले है, ये आईपीएस डिस्प्ले में नहीं है। फोर्थ जो कि बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए ज़्यादातर गेमिंग करनी होती है, आपने वीडियोज़ देखनी होती है, वीडियो बनानी होती हैं कैमरे के लिहाज से भी। और जो ज़बरदस्त बात है वो चिपसेट की बात है, इसमें स्नैपड्रैगन 685 यूज़ किया गया है। स्नैपड्रैगन चिपसेट यूज़ की गई है, जो कि एक ज़बरदस्त चिपसेट है आपकी गेमिंग के लिए, आपकी वीडियोस के लिए। ये बहुत अच्छा फ़ोन रहेगा, इसको आप लोग लाजमी खरीदिए। अगर आपका 60,000 तक बजट है तो इस फ़ोन को आप मिस ना कीजिएगा, ये लाजमी आप लोग फ़ोन खरीदिएगा। बड़ा अच्छा इसका देखें एमोलेड डिस्प्ले है। इसके बाद हम इसको सेटिंग में जाते हैं। अबाउट फ़ोन, 8 GB, 256 GB, एक अनफ आपके पास मेमोरी भी आ गई, अकबर रैम भी आ गई। एंड्रॉयड 13 पे है ये फ़ोन। ये ऊपर से इसका ये डिस्प्ले है, बड़ी पावरफुल टॉर्च है इसकी, ये देखें बड़ी पावरफुल टॉर्च दी गई है। एमोलेड एलसीडी का एक अलग ही लुक, अलग ही मज़ा होता है यूज़ करने का। स्क्रीन रिकॉर्डर है, बैटरी सेवर है और इसकी साउंड सुनते हैं। ड्यूल स्पीकर के साथ ये फोन है। ये देखिए जबरदस्त इसके टोन्स हैं। ये ड्यूल स्पीकर के साथ है, जो कि बेस्ट स्पीकर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए इसका कैमरा तो 108 मेगापिक्सल कैमरा, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको अच्छे कैमरा चाहिए होता है, आप ये कैमरा देख सकते हैं। इसके हम पिक्चर भी खींचते हैं अभी और आप ये देखें कि 10x जूम तक बहुत क्लियर कैमरा है। ये इसका 10x जूम है, 108 मेगापिक्सल डेप्थ भी उन्होंने दिया है इसका, 108 मेगापिक्सल ये देख सकते हैं। ये लाइव पिक्चर मैंने खींची इसकी, आप ये देखें बिल्कुल भी इसने अपने पिक्सल ख़राब नहीं किए। ये देखें ये वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है, मोर में इसके शॉर्ट वीडियोस, पैनोरामा प्रो एडिट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, इसमें बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं। फिर इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है। ये फ़ोन बहुत अच्छा है जी,
बैटरी इसकी 5000 mAh की बैटरी है, ये एडिशनल सेटिंग है या बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तानी प्राइस है आपको बताइए इस फोन की 60,000 है। आप लोग इस फोन को लाजमी खरीदें, ये फोन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि इतने पैसों में सारी ऑप्शन इसमें मौजूद है, स्नैपड्रैगन है, एमोलेड है, कैमरा अच्छा है, ये फोन बहुत अच्छा है जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं लाजमी जवाब दूंगा आपको। अल्लाह हाफिज़ जी।